आप लोग बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। बाकी आज ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है शाम के 5:30 बजे से, और आजकल ना ब्लॉग नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि मैं सुबह कॉलेज चले जाती हूँ और अभी शाम को आती हूँ, शाम को फिर ट्यूशन पढ़ाती हूँ, फिर रात हो जाती है, और इसीलिए आज मैं शाम को कर रही हूँ ब्लॉग की स्टार्टिंग। क्योंकि आज हमारी काव्या का बर्थडे है और ऊपर संदीप चाचा की लड़की का, और अभी मैंने ट्यूशन वगैरह पढ़ा दिया है, घर का जो छोटा मोटा काम होता है वो भी कर दिया है। बाकी ऊपर चलते हैं, वहाँ मम्मी लोग सब पूरी पकौड़ियाँ वगैरह बना रहे हैं, और पूरी तो नहीं पकौड़ी वगैरह बना रहे शायद, और वहाँ डेकोरेशन वगैरह करने भी जाना है मुझे, तो चलो चलते। तो आज काव्या के बर्थडे के उपलक्ष्य में मम्मी लोग भी इतनी जल्दी आ गए गौशाले से, नहीं तो अंधेरा हो जाता है। और गौशाले के साथ साथ घर आते ही मम्मी एक अंडी गोबर भी ले आई है, तो मैं तो चलती हूँ ऊपर क्योंकि मुझे डेकोरेशन वगैरह भी करना है, बाकी मम्मी लोग तो आते रहेंगे। तो यहाँ आके सबसे पहला काम तो यही था डेकोरेशन का, और यहाँ पे सारे गुब्बारे फुला दिए हैं, बाकी नीचे डेकोरेशन हो रहा है, और जो हैप्पी बर्थडे वाला आता ना लिखा हुआ वो भी मैंने ही फुलाया है। अच्छा, उसमें हमने सहयोग दे रखा है अपना। चलो एक मामा आपको दिखाते हैं लास्ट तक डेकोरेशन और बर्थडे। मैं बनाती हूँ। आप भी बनाते हो वीडियो, व्लॉग बनाते हो कि रील्स बनाते हो? क्या नाम है आपके चैनल का? मेरे चैनल का नाम तो नहीं है पर मैं ऐसी बना रही हूं। अच्छा, नाम नहीं है? ये मेरी बहन है, तालियां हो जाए इसके लिए। जैसे आप बना रहे हो मैं वैसे ही बनाती हूँ। अच्छा, अरे वीडियो बना रही होगी। मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ ना, मैं इसको एडिट करके यूट्यूब पे डालती हूँ। मैं नहीं करती ऐसा। क्यों नहीं करते हो फिर? मैं तो रख देती हूँ काटने में। किस लिए रख देते हो फिर? घर में सब देखेंगे। अच्छा, सब बनाना नहीं आता। कोशिश करोगे तो बना लोगे आप भी, ठीक है? ओके। हाय गाइस, तो यहाँ काव्या का बर्थडे है, तो दीदी आई है डेकोरेशन करने के लिए। हमारा प्यारा दर्शकगण, हमारे बीच पास। तो दोस्तों, इन्होंने ना ये पूरा बिगाड़ दिया था, वहाँ से लेकर यहाँ तक हो रहा था ये पूरा हैप्पी बर्थडे। हाँ, ये आइडिया मैंने दिया इनको कि हैप्पी ऊपर लिखो, बर्थडे नीचे लिखो। ये गुब्बारे लगा दो यहाँ पे, नहीं साइड साइड पे, जब हमें चादर जान दिखने। हमारे गांव की, हमारे परिवार की किसान बुआरियाँ, हमारी चाचियाँ, और यहाँ पे बना रही ये लोग रोटी वगैरह, क्योंकि मेहमान लोग भी बहुत आ रहे हैं ना। ये हमारी बर्थडे गर्ल फाइनली तैयार हो चुकी है। फोटो तू लेगी ना? हाँ ले लूंगी, क्योंकि मैं अपने फोन से बिल्कुल दिखाऊं ज्यादा। हाँ हाँ ठीक है। ये बर्थडे गर्ल की नानी है और ये दादी है, सो सब तैयार हो गए हैं। बर्थडे 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 ये देखो, ये आर्मी वाले भैया को कुछ पता है नहीं, उल्टा के गुनार करता बेवानी। फिर भी केक तो बड़े अच्छे। सो फाइनली पूरा डेकोरेशन हो गया है और यहाँ पे केक वगैरह भी आ गया है। बर्थडे गर्ल और उसकी दादी भी तैयार है, और थोड़ी देर में केक कट होता है। बाकी भीड़ देखो, गांव वाले सब लोग आए हैं। ये देखो, ये बच्चा पार्टी भी है नीचे, और ऊपर बूढ़े बूढ़े बैठे हैं। फोटोज क्लियर खींचना है। हाँ, मैं वो कर रहा हूँ, मेरे फोन पे कुलदीप वीडियो कॉल पे है। ठीक है। हाँ। तो यहाँ पे बैठे हैं देवरानी जेठानी, और ये भैया लोग आ गए हैं जिसका वेट रहता है, पर केक तो दिखनी नहीं। तन्नी दिखनी तो नहीं दिखनी। आदमी में आ जाए कम से कम, केक तो दो।
शायद भीड़ ज्यादा हो गई है गाइस, इस कारण थोड़ी इस कारण हम साइड हो गए। ये है हमारे दादाजी, खाने पीने के बाद लास्ट में ये बच रखा है, ये है मिर्च। अब देखते हैं किस पे होता है आज प्रैंक। दादा पे तो एक प्रैंक, कोई और पकड़ो ना कि ऐसे तक की चुंडा नहीं होगी, ऐसे तक की चुनगी। आग बंद करो ना। चलो फोटो वगैरह खींचते पूरी फैमिली वालों की, चलो यार फोटो खींचने चलो। गरम नहीं है यार, तो अभी फैमिली फोटोग्राफी चल रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? नहीं पे काबू बोल रहा है कि नहीं आएगी? लाइट कर रहे हो तुम बड़ों के लिए? नहीं मम्मी के लिए। अब पापा कहाँ है? ये तू भी सोचेगा यार। सर्च पे आसानी से जाओ आस पास के पेट्रोल तो अभी हम केक वगैरह खा के डांस वांस करके घर जा रहे हैं, मैं और मम्मी। बबी तो वहीं है अभी, तो अभी हमने खाना भी बनाना है क्योंकि अभी खाना तो खाया ही नहीं, बाकी सब लोग शाम से वहीं से तो वहीं थे, तो अभी हमने रात का खाना वगैरह कुछ नहीं बना रखा है, तो इसलिए। तो दोस्तों अभी घर पहुंच गए हैं, बाकी मम्मी अभी यहाँ पे रोटी वगैरह बना रही हूँ। अभी तो फिलहाल आग वगैरह जलाई है, बाकी बिल्कुल मन नहीं कर रहा यार अभी खाना वगैरह बनाने का, सीधा सोने का ही मन कर रहा है क्योंकि हम कॉलेज गए थे, वहाँ से भी पैदल घर आए, फिर शाम को बच्चे पढ़ाए, फिर वहाँ गए, फिर वैसे ही हुआ। बाकी इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं, होप करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर कर देना, और जो चैनल पर नए हो जरूर जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।